गुड़ानी में नाकारा बहरी जहाज में एक बार फिर से आग भड़क उठी है। इसी जहाज में 15 दिन पहले भी आग लगी थी। 100 मजदूर काम कर रहे थे, 70 को बहिफाजत निकाल लिया गया है। गुड़ानी में नाकारा जहाज में एक बार फिर से आग भड़क उठी है। इसी जहाज में 15 दिन पहले भी आग भड़क उठी थी। आग भड़कने के वक्त 100 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 70 को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। गुड़ानी में नाकारा बहरी जहाज में एक बार फिर से आग भड़क उठी है। आग भड़कने के वक्त 100 के करीब मजदूर यहाँ काम कर रहे थे, 70 को बहिफाजत तौर पर बाहर निकाल लिया गया है। इसी जहाज में 15 दिन पहले भी आग लगी थी। आपको हम खबर दे रहे हैं, गुड़ानी में नाकारा जहाज में एक बार फिर से आग भड़क उठी है। इसी जहाज में 15 दिन पहले भी आग लगी थी। 100 मजदूर काम कर रहे थे यहाँ पर, जिनमें से 70 को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। 15 दिन पहले भी इसी जहाज में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। गुड़ानी में नाकारा बहरी जहाज में एक बार फिर से आग भड़क उठी है। आग भड़कने के वक्त यहाँ पर 100 के करीब मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 70 को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। 15 दिन पहले भी इसी जहाज में आग भड़कने का वाकया पेश आया था। गुड़ानी में नाकारा बहरी जहाज में एक बार फिर से आग भड़क उठी है। इसी जहाज में 15 दिन पहले भी आग लगी थी। 100 मजदूर इस जहाज में काम कर रहे थे, जिस वक्त यहाँ पर आग लगी, 70 के करीब मजदूरों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। गुड़ानी का ये जहाज जो कि एक नाकारा बहरी जहाज है, एक बार फिर इसमें आग भड़क उठी है। 15 दिन पहले भी इसी जहाज में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। इस वक्त 70 के करीब मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है, जबकि 100 के करीब मजदूर यहां पर काम कर रहे थे, जिस वक्त आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। ये वो नाकारा बहरी जहाज है जिसमें 15 दिन पहले भी आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, और इस आग पर काबू पाने में काफी वक्त लग गया था। गुड़ानी में नाकारा बहरी जहाज में एक बार फिर से आग भड़क उठी है। 15 दिन पहले भी इसी जहाज में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। इस वक्त 70 के करीब मजदूरों को निकाल लिया गया है, जबकि 100 मजदूर इसमें काम कर रहे थे, 70 को बहिफाजत निकाल लिया गया है। अभी भी कुछ मजदूर इस जहाज में बाकी हैं, जो कि फंसे हुए हैं, उन्हें भी निकालने की कोशिश की जा रही है। गुड़ानी में नाकारा बहरी जहाज में एक बार फिर आग भड़क उठी है। इस जहाज में 15 दिन पहले भी आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, और आग पर काबू पाने में काफी वक्त लग गया था, और 70 के करीब मजदूरों को इस वक्त निकाल लिया गया है। जवेरिया मलिक से जानते हैं। जवेरिया, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर, आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, आग पर जो है काबू पाने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू टीमें जो है काफी हद तक यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, और रेस्क्यू टीमें यहाँ पे जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि आपको बताती चलूं कि 15 रोज कबल भी इसी शिप पर जो है आग भड़क उठी थी, जिसके बाद इस शिप को जो है बंद कर दिया गया था। लेकिन अब ये शिप जो है 15 रोज बाद दोबारा बहाल किया गया है, लेकिन बहाल करने के बाद ही दोबारा ये वाकया शुरू हो गया है। पहले जो वाक्य हुआ था उसमें 100 मजदूर इसमें काम कर रहे थे, जिसमें 70 को बहिफाजत निकाल लिया गया था। रवान साल भी जो ये यहाँ पे गिरानी वाक्य हुआ था, जिसमें जो है काफी जाती भी जाने का नुकसान भी हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा एक वाक्य में जो है 100 मजदूर जो उनमें से 70 को निकाला गया था। लेकिन फिर जो है शिप यार्ड को जो बंद कर दिया गया था, उसके बाद 14 रोज बाद जो है शिप यार्ड को खोला गया, लेकिन उसके बाद दोबारा ये एक ऐसा वाकया पेश आ गया है। और अभी इतलात के मुताबिक जो है हमारी टीमें, रेस्क्यू टीमें जो रवाना है, और कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। जी अच्छा जवेरिया, बताइएगा कि पहले भी इसी जहाज में आग भड़की थी, क्या पता चल सका है क्या वजह हुई इस बार आतिशबाजी की? कोई इस तरह की तो वजह जो है सामने नहीं आ सकी। फिलहाल अभी जो है वजूहात को जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वजह है जो बार बार जहाज में आग भड़क उठती है। इसी हवाले से जो है काम भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कोई फिलहाल ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। शुक्रिया जवेरिया मलिक।